लोकसभा चुनाव 2024 के तहत इंदौर संसदीय सीट के लिए चौथे चरण में मतदान होना है। जिला निर्वाचन कार्यालय मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। कमिश्निंग के तहत बैलेट पेपर लगाने का काम जारी है। मंगलवार शाम तक रिजर्व सहित सभी ईवीएम की कमिश्निंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान दलों की ट्रेनिंग के साथ ही ईवीएम का सेकंड रैंडमाइजेशन हो चुका है। अब ईवीएम की कमिश्निंग का कार्य जारी है। नेहरू स्टेडियम में विधानसभा वार ईवीएम की कमिश्निंग की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ईवीएम में बैलेट पेपर लगाने का काम लगभग 60% हो चुका है। शेष काम मंगलवार शाम तक पूर्ण कर लिया जाएगा। देखिए आज जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं लगभग अंतिम चरण में हैं, जिनका यहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। जो ईवीएम की कमिश्निंग है बैलेट पेपर के साथ में, उसका काम सभी विधानसभाओं में चल रहा है और जो बिल के इंजीनियर्स आते हैं उनके पर्यवेक्षण में ये पूरी की पूरी कार्रवाई संपादित कराई जाती है। लगभग 50-60% के आसपास का काम हो गया है। कल तक सभी विधानसभाओं में सभी ईवीएम की कमिश्निंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। ईवीएम हमारी सारी तैयार हो जाएंगी पोल के लिए। इसके साथ साथ जो सामग्री वितरण होनी है व जो डोम का काम है वो भी अंतिम चरणों में चल रहा है। 2-3 दिन में ये भी पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 172 हम लोग टोटल काउंटर्स बना रहे हैं जहां से वितरण या जमा होना है। हालांकि पूरी की पूरी व्यवस्था जो टेबल्स लगाएंगे उसी पे सारी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी सभी पोलिंग पार्टीज़ को, जिससे उनको अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। गर्मी को देखते हुए विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हम लोग यहां पर एक आईसीयू के साथ में एक हॉस्पिटल भी 5 बेड का बना रहे हैं, जिससे कि अगर किसी को कोई समस्या होती है तो तत्काल ही यहां पर उपचार किया जा सके। इसके साथ साथ सभी पोलिंग पार्टीज़ को गर्मी के लिए जो छाछ या पना जैसी व्यवस्था है वो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि उनको गर्मी से राहत हो सके। प्लस जितने भी मिस्ट फैन हैं या कूलर हैं उसकी भी व्यवस्था हमारे द्वारा करी जा रही है। सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं, पूर्ण करके बहुत ही स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारे द्वारा संपादित कराए जाएंगे। ईवीएम की कमिश्निंग का कार्य पूर्ण होने के बाद अंतिम रैंडमाइजेशन किया जाएगा। 12 मई को मतदान सामग्री वितरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।